हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर क्रेज में। मेरा नाम है शंकर और अभी हम बात कर रहे हैं ऑल न्यू महिंद्रा XUV500 के बारे में। XUV500 का भी ये W11 ऑप्शनल वेरिएंट आप ही देख रहे हैं, सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, जिसके बारे में हम अभी कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे इसी मॉडल के बारे में। XUV के अंदर आपको डीजल का ऑप्शन मिलता है, वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। इसमें पेट्रोल और ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं आता है। प्रेजेंट की अगर बात की जाए तो ये टॉप मॉडल है W11 ऑप्शनल, जिसके 17,64,000 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस है इस वाले वेरिएंट की। और की जो है कुछ ऐसे आपको मिलेगी, इसमें स्मार्ट की इसमें आती है, महिंद्रा का लोगो इसमें पीछे की तरफ, और काफ़ी शानदार इसके लुक्स है की के, जिसके अंदर आपको लॉक के बटन मिलते हैं, ये बूट खोलने का ऑप्शन है और नीचे ये अनलॉक का बटन है। क्रोम फिनिश के अंदर काफ़ी प्रीमियम में लगती है की। कुछ ऐसा डिज़ाइन है XUV500 का, काफ़ी प्रीमियम और मस्कुलर डिज़ाइन आपको मिलता है XUV500 के ऊपर। कुछ ऐसा फ्रंट डिज़ाइन है XUV का, सामने की तरफ जो आपको इसमें LED DRL सामने की तरफ यहाँ पर देखने मिलते हैं, साइड में टर्न इंडिकेटर्स इसमें आते हैं, ये प्रोजेक्टर लाइट्स है, बीच में इसमें कॉर्नरिंग लाइट्स आती है, और साइड में इसमें हेलोजन हेडलाइट्स आपको यहाँ पर देखने मिलती है। कुछ ऐसा LED कुछ ऐसा हेडलाइट्स का सेटअप है यहाँ पर, और नीचे की तरफ जो इसमें फॉग लाइट्स आते हैं क्रोम फिनिश के साथ, पियानो ब्लैक कलर फिनिश है फॉग लाइट्स के ऊपर। और कुछ ऐसा फ्रंट ग्रिल का डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने मिलता है, महिंद्रा का लोगो है और काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन है फ्रंट ग्रिल का, क्रोम फिनिश के अंदर काफ़ी अट्रैक्टिव उसके लुक्स है। सामने की तरफ से काफ़ी मस्कुलर आपको डिज़ाइन मिलता है XUV500 का। आइए अब इसका बोनेट खोल कर देखते हैं। आइए, आपको इसमें एक इंजन का ऑप्शन मिलेगा एम हॉक डीजल इंजन का, इसमें पेट्रोल का ऑप्शन नहीं आता है। और ये है 2.2 लीटर फोर सिलेंडर टर्बोचार्जर डीजल इंजन आप ये देख रहे हैं, जिसके 152 BHP की पावर है, 360 Nm का इसका टॉर्क है और 15 का एवरेज आपको मिलेगा डीजल के अंदर। जैसे आप वाइपर्स के लिए पानी भरवा सकते हैं, और इस तरफ ये कूलेंट है, जैसे आप चेक कर सकते हैं बैटरी कंपार्टमेंट आपको इस तरफ ये देखने मिलेगा। बोनेट के ऊपर भी काफ़ी अच्छी इंसुलेशन आती है, जैसे कैबिन नॉइस और वाइब्रेशंस काफ़ी कम होते हैं। रीजनरेशन ब्रेकिंग सिस्टम है XUV के अंदर, जो कि ब्रेक दबाने पर बैटरी को रिचार्ज भी कर देता है। वारंटी की अगर बात की जाए तो 3 साल और 1,00,000 किलोमीटर्स तक की आपको वारंटी मिलती है XUV500 के ऊपर। सामने की तरफ आपको इसमें रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं, साइड में इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल OVMs है टर्न इंडिकेटर्स के साथ, फोल्डेबल OVMs है ये। यहाँ पर 18 इंच के आपको डायमंड कट ऑलॉयस इसके अंदर मिलते हैं, सिल्वर और ब्लैक कलर फिनिश के अंदर, महिंद्रा का लोगो है यहाँ पर। मैक पोर्शन स्टड्स है सामने की तरफ, टायर और डोर्स के ऊपर ब्लैक क्लैडिंग्स आती है जो कि काफ़ी शानदार लुक्स देती है। ये सिल्वर क्रोम फिनिश आती है डोर्स के ऊपर। और सेफ्टी की अगर बात की जाए तो XUV के अंदर आपको ABS विथ EBD, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट, रोल ओवर मैटिगेशन, क्रैश प्रोटेक्शन, स्पीड अलर्ट सिस्टम, और टोटल 6 एयरबैग्स आती है XUV के अंदर। कुछ ऐसा साइड लुक है XUV500 का। पीछे के जो टायर्स है इसमें भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। और आइए अब चलते हैं पीछे की तरफ। कुछ ऐसा पीछे से डिज़ाइन आपको XUV500 का यहाँ पर देखने मिलता है, काफ़ी वाइल्ड इसके लुक्स है, काफ़ी मस्कुलर ये लगती है। सामने ऊपर की तरफ जो इसमें हाई माउंट स्टॉप लाइट है, वॉशर के साथ ये वाइपर आते हैं, और कुछ ऐसा डिज़ाइन है टेल लैंप्स का, ये टर्न इंडिकेटर से यहाँ पर, ये कॉर्नरिंग लाइट्स है, और नीचे की तरफ इसमें रिफ्लेक्टर्स आते हैं, पार्किंग सेंसर्स है इसमें पीछे, और डुअल मफलर डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिलता है एग्जॉस्ट का, डुअल एग्जॉस्ट है जो कि रियल है। यहाँ पर पार्किंग कैमरा है W11 के, यहाँ पर बैजिंग है। और आइए अब इसका टेलगेट ओपन करके देखते हैं, इसे आप की से अनलॉक कर सकते हो और बटन यहाँ पर आता है इसका, कुछ इस तरीके से आप इसका टेलगेट जो है ओपन कर सकते हो पीछे का, काफ़ी वाइड है टेलगेट। आपको इसमें 93 लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा। यहाँ पर ये टूल किट है, और स्पेयर व्हील जो है इसका नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर आपको इसका स्पेयर व्हील मिलेगा। और अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप इन सीट्स को जो है फोल्ड भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से, अगर आपको कुछ ज़्यादा सामान लाना ले जाना हो तो कुछ इस तरीके से आप जो है इसे फोल्ड कर सकते हो, और काफ़ी बड़ा जो है बूट स्पेस आपको पीछे की तरफ यहाँ पर मिल जाता है। आइए अभी इसे लगा देते हैं फिर से सीट्स को, कुछ इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं फिर से। और आइए अभी इसे क्लोज करते हैं। माइक्रो हाइब्रिड सिस्टम है XUV500 के अंदर, जो कि फ्यूल सेविंग करता है। कार को आप जैसे न्यूट्रल करते हो कार जो तुरंत बंद हो जाती है, और जैसे आप इसके क्लच को प्रेस करोगे दोबारा से ये स्टार्ट भी हो जाएगी सिग्नल पर या कहीं पर। डोर्स के ऊपर यहाँ पर क्रोम फिनिश आपको मिलती है,
जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक देती है XUV को। इस पर टर्न इन निकट साथ कीलेस एंट्री आपको मिलेगी ड्राइवर साइड डोर के ऊपर। कुछ ऐसा ड्राइवर साइड डोर का डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने मिलता है, जिस पर सिल्वर फिनिश आती है प्रीमियम डोर हैंडल से। और यहाँ पर आपको मिरर्स के एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल्स मिलते हैं, आप यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं मिरर को, लेफ्ट और राइट मिरर को। यहाँ पर चारों पावर विंडोज़ का कंट्रोल है और लेदर फिनिश आपको मिलती है डोर्स के ऊपर स्टिचिंग के साथ। यहाँ पर थोड़ी स्पेस है, ये रिफ्लेक्टर्स है। और कुछ ऐसा फ्रंट डैशबोर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देता है XUV500 का, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है। कुछ ऐसी ये सीट्स है बकेट फिट, इसमें प्रीमियम लेदर अपहॉल्स्ट्री आती है जो काफ़ी शानदार लगती है। प्रीमियम इसमें लेदर ईट अपहॉल्स्ट्री आती है। यहाँ पर आपको 6-way इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स मिलती है XUV की 500 की। यहाँ पर बैजिंग है, ये स्पोर्टी यहाँ पर एल्यूमिनियम पेडल्स आपको मिलते हैं XUV के अंदर। आइए अंदर बैठते हैं और इसे ऑन करके देखते हैं। इस तरफ ये स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको देखने मिलता है, इसे ऑन कर लेते हैं। काफ़ी शानदार इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और ये गाइडलाइंस भी देता रहेगा अगर आपका डोर ओपन है, काफ़ी सारे गाइडलाइंस ये देता रहता है। और लेदर आप स्टेयरिंग व्हील है, काफ़ी सारे बटन्स है स्टेयरिंग व्हील के ऊपर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इस तरफ आपको फ्यूल लीड के बटन्स देखने को मिलते हैं, लाइट्स के बटन है, आप ऐसे हज़ार लाइट्स के ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ये ब्राइटनेस के कंट्रोल्स है और यहाँ पर एसी के वेंट्स है सेंटर में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर ये स्पीड दिखाएगा, टेम्परेचर दिखाएगा, RPM दिखाएगा, गियर इंडिकेशन भी ये दिखाएगा। स्टेयरिंग के ऊपर काफ़ी सारे बटन्स है, कुछ ऐसी हॉर्न है, महिंद्रा का लोगो है यहाँ पर। और इस तरफ ये वाइपर्स के कंट्रोल्स है, इस तरफ ये फ्रंट हेडलाइट्स के कंट्रोल है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है इसमें, और वॉल्यूम के कंट्रोल्स है, फ़ोन को उठाने के काटने के कंट्रोल्स है इस तरफ। और इस तरफ जो आपको क्रूज़ कंट्रोल्स के कंट्रोल मिलते हैं, वॉइस कमांड के कंट्रोल है, काफ़ी सारे बटन्स है, काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन है। स्टेयरिंग के ऊपर कुछ ऐसा फ्रंट डैशबोर्ड यहाँ पर आपको देखने मिलता है, यहाँ पर आपको थोड़ी स्पेस भी मिलेगी इसके अंदर, कुछ इस प्रकार आप इसे खोल सकते हो। और पूरा बोनेट आप देख सकते हैं XUV में से, बम्पर टू बम्पर कारों को आप इसमें से देख सकते हैं। काफ़ी प्रीमियम इसके ऊपर डिज़ाइन है। यहाँ पर आपको 7-inch का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके अंदर मिलेगा, जिसमें 4 स्पीकर्स है और 2 ट्विटर्स आते हैं। टच स्क्रीन है ये, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी है, सपोर्ट करेगा, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी है। ये नेविगेशन है, नेविगेशन और मैप्स भी ये सपोर्ट करता है। काफ़ी सारे कनेक्टेड ऐप्स आती है XUV500 के अंदर। ये कार इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, फ्यूल इन्फॉर्मेशन ट्रेट्रॉनिक्स है ये इसका रिवर्स कैमरा है, जैसा आप इसे ऑन कर सकते हो कुछ इस प्रकार। ये अलर्ट इन्फॉर्मेशन है जहाँ पर अभी लो फ्यूल दिखा रहा है, ये सर्विस रिमाइंडर है। काफ़ी सारे कनेक्टेड फीचर्स है, ये इकोलाइजर्स के कंट्रोल है म्यूज़िक सिस्टम के, जैसे आप लेवल एडजस्ट कर सकते हैं म्यूज़िक सिस्टम के, किस तरफ आपको ज़्यादा म्यूज़िक चाहिए। ये सेटअप है, ये स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल्स है, स्पीड डिपेंडेंट यानी कि स्पीड के हिसाब से वॉल्यूम जो है कम ज़्यादा होता रहेगी। वॉइस कमांड के कंट्रोल से SMS को ये रीड आउट भी करेगा, अगर आपको किसी ने SMS भेजा तो ये पढ़ के भी बताएगा। यहाँ पर आपको सभी इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स देखने मिलते हैं। USB के और ऑक्स के पोर्ट है, यहाँ पर AC के रिलेटेड कंट्रोल्स है। ये 1000 लाइट्स के बटन है, यहाँ पर ये स्टार्ट स्टॉप का बटन है, ESP का बटन है, हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन है, ये स्टार्ट स्टॉप का बटन है। और 6-speed मैनुअल इसमें ट्रांसमिशन आता है, ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं आएगा XUV के अंदर। यहाँ पर आपको USB का चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, यहाँ पर थोड़ी स्पेस है, ग्लास होल्डर है, और ये हैंड ब्रेक, कुछ ऐसा डिज़ाइन है इसका, काफ़ी प्रीमियम ही लगता है। आर्मरेस्ट के नीचे भी आपको थोड़ी स्पेस मिलती है, हैंडरेस्ट के नीचे। यहाँ पर आपको कूल हैंडरेस्ट मिलता है, यहाँ पर आप अपने ड्रिंक्स वगैरह को भी रख सकते हैं। ये इसके अंदर आपको कूलिंग का सिस्टम मिलता है, जैसे आप इसे ऑन या ऑफ भी कर सकते हो कुछ इस प्रकार। आइए अभी इसे बंद करते हैं। लेदर फिनिश इसके ऊपर आती है और सॉफ्ट टच फिनिश आपको मिलती है डैशबोर्ड के ऊपर, लेदर फिनिश है। इसके अंदर भी आपको थोड़ी स्पेस मिलेगी और ग्लोबॉक्स के अंदर भी आपको थोड़ी बहुत स्पेस यहाँ पर मिलती है। लाइट भी है अंदर की तरफ
ऊपर की तरफ जो इसमें सनग्लास होल्डर है, ये लाइट्स है, लाइट्स के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर देखने मिलते हैं, ये सनरूफ खोलने का बटन है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक सनरूफ इसमें आती है XEV 500 के अंदर, कुछ इस प्रकार आप इसे खोल सकते हो और इस कुछ ऐसा ऐसे बंद किया जाता है। और आइए अभी इसे बंद करते हैं और चलते हैं पीछे की सीट्स के ऊपर, देखते हैं कितने स्पेस वहाँ पर अवेलेबल है। आइए अब पीछे का पैसेंजर साइड डोर जो है खोल कर देखते हैं, कुछ ऐसा पैसेंजर साइड डोर फिनिश आपको यहाँ पर देखने मिलती है। प्रीमियम इसमें डोर हैंडल से पावर विंडोज के कंट्रोल रेल और लेदर फिनिश यहाँ पर आती है, लेदर स्टिचिंग के साथ। कुछ ऐसी ये सीट्स है, काफ़ी प्रीमियम इसमें लेदर ईट अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। आइए अब अंदर बैठते हैं, ऐसे वेंट से पीछे की तरफ पिलर्स के ऊपर, और कंफर्टेबल स्पेस आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर ये मैगजीन होल्डर है, फाइबर में फिनिश है सीट्स के ऊपर पीछे, और तीन आपको यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं पीछे की तरफ, ये आर्मरेस्ट है जो कि पन्नियों के अंदर पैक है। अभी कुछ ऐसा फ्रंट का डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, सनरूफ आती है ऊपर की तरफ, प्रीमियम डिज़ाइन है सामने की तरफ, और ऊपर की तरफ लाइट्स है, लाइट्स के कंट्रोल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और आइए अब पीछे के सीट्स पर चलते हैं, आपको पीछे के सीट्स के ऊपर जाने के लिए इस तरफ से आना पड़ेगा, आप यहाँ से इसे खोल सकते हो कुछ इस प्रकार, इसे फोल्ड करना होता है। यहाँ पर आपको इसका लिवर मिलेगा, सीट्स के नीचे इसका लिवर आता है, कुछ इस प्रकार आप इसे सामने की तरफ कर सकते हैं और अंदर की तरफ जा सकते हैं। या इसे फिर से लगा देते, कुछ इस प्रकार आप इसे लगा सकते हैं फिर से, और डिसेंट स्पेस आपको मिलेगी पीछे की तरफ, थोड़ी सी टाइट स्पेस है, दो लोग यहाँ पर कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, तीन हेडरेस्ट हैं। और यहाँ पर जो आपको एयर वेंट्स मिलते हैं, ये किसी ने निकाला हुआ है यहाँ से, अभी इसे लगा देते हैं। यहाँ पर ये मैगजीन होल्डर आपको मिलता है ग्लास के होल्डर से, और पीछे की तरफ जो इसमें एसी के कंट्रोल आपको मिलते हैं, यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हो, ये एसी के वेंट्स हैं। ऊपर की तरफ ये ग्रैब हैंडल्स इसमें आते हैं। और चलिए अब चलते सामने की तरफ, चलते बाहर की तरफ, और कुछ ऐसा आप यहाँ से निकल सकते बाहर, इसे लगा देते फिर से। और कैसे लगी दोस्तों आपको XEV 500 का ये W11 ऑप्शनल वेरिएंट, आप बताइए हमें नीचे कमेंट्स में। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस तरह की वीडियो जो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।